हेलो एवरीवन, आज हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, तो पहले एक काम करते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देते हैं। ये बन गया हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसमें जो बेस दे रखा है वो दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। तो देखो, ये जो बेस है इसको हमने मान लिया 4/3 सेंटीमीटर, ये 4/3 सेंटीमीटर। उसके बाद द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 2/15। अब देखिए, जो इसका पेरीमीटर दे रखा है वो दे रखा है 4 2/15। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 62/15। ठीक है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको क्या करते हैं, ये जो साइड वाले हैं दोनों, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 4 जा 60, 60 और ऊपर वाला इसको जोड़ देते हैं, 60 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 62, और अपॉन में जो है नीचे वही रहने देंगे, तो 62/15 ये आ गया सेंटीमीटर। ये हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं ये जो दे रखा है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं। यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने बना दिया, इसकी जो बेस दे रखी है 4/3, तो हमने बना दिया यहाँ पे 4/3 सेंटीमीटर। अब जो दो साइड बची वो दोनों इक्वल साइड हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल साइड है। हम एक काम करते हैं, इसमें और कुछ तो दे नहीं रखा, हमारे पास पेरीमीटर दे रखा है, हम इनकी जो साइड है ना इनको एक्स मान लेते हैं, ये भी एक्स है और ये भी, क्योंकि दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर दे रखा है हमारे पास 4 2/15, यानी 62/15। अगर मैं यहाँ पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इन सब साइड का सम, यानी एक्स प्लस 4/3। ठीक है, तीनों साइड का जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 62/15। तो क्या कर देते हैं, 62/15 हमने यहाँ लिखा, कितना, 62/15 इक्वल टू एक्स, और एक्स कितना हो गया हमारे पास, 2x 2x प्लस 4/3। अब ये देखो, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इस इक्वेशन हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो जो इक्वल साइड से वो हमें आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब 2 के साथ एक्स है, इसको तो यहीं रहने देते हैं, 2x को तो ऐसे ही रहने देते हैं। जो नंबर है, जैसे नंबर क्या है, 4/3 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के पास ही पहुँचाना पड़ेगा। इधर ये प्लस का 4/3 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 62/15 हमने ऐसे लिखा, उसके साथ इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी माइनस का 4/3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए एक तरीका हमारे पास ये कि 15 और 3 का हम एलसीएम ले लें। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ कैसे, 15 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आएगा कितना, वो 15 ही आएगा, कितना आएगा, 15। ठीक है, अब इधर जो 15 है, 15 की टेबल पढ़ेंगे, ये कितनी बार आएगा, 15 और 1 जा आएगा, 1 की 1 बार आएगा, जितनी बार आएगा उसको हम इसके ऊपर वाले से, यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 1 जा 15, 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 62, माइनस है माइनस लगा दो। अब 3 की टेबल पढ़ेंगे कितनी बार आएगा, 3 5 जा 15, 5 जाएगा, उस 5 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 जा 20। ठीक है, इक्वल टू जो है वो यहाँ लिख देंगे, इक्वल टू 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 62 में से 20 माइनस कर देते हैं, तो देखो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 42, कितना बचेगा, 42। ठीक है, 42/15 इक्वल टू 2x। इधर सॉल्व कर देता हूँ जरा, ये देखो जरा, 42/15 इक्वल टू 2x। अगर यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी है, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो आपको ये बात याद रखनी होगी, जैसे यहाँ पे इक्वल टू 2x है ना, सॉरी 42/15 तो ये था ही, ये x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में जो है इसको हम दूसरी तरफ डिवाइड में पहुँचा सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ जो 2 था मैं इसको यहाँ पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, ऊपर से नीचे इस तरह से क्रॉस में पहुँचाए थे, एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में पहुँचाए थे। ठीक है, तो ये 2 को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जो 2 था मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो 15 इंटू 2, ठीक है, जो 42/15 था तो 15 इंटू 2 हो गया। ठीक है, इक्वल टू एक्स, तो इससे कैंसिल आउट कर देते हैं,
टू से इसको काटा, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, तो कितना आ गया 21 अपॉन 15 इक्वल टू एक्स। इसको और कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 7 अपॉन 5। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 अपॉन 5, यानी जो दो इक्वल साइड्स थी वो हमारे पास कितनी आ गई, 7 अपॉन 5, यानी कि देयरफॉर यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्वल साइड्स कितनी आ गई आर 7/5 एंड 7/5, दोनों ही 7/5 7/5 है, ठीक है, इक्वल है तो इतना ही आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3।